बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में बुरी तरह से फंसे हैं। 19 जुलाई को राज कुंद्रा को मुंबई क्राइम ब्रांच के प्रॉपर्टी सेल शाखा ने गिरफ्तार किया था। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी को एक महीने का समय होने को आया है। आर्थर रोड जेल में बंद राज कुंद्रा अपनी रिहाई की राह ताक रहे हैं, वही फिलहाल उन्हें कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। राज कुंद्रा की न्यायिक हिरासत अवधि एक बार फिर बढ़ गई है। मंगलवार को राज कुंद्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई एक बार फिर टल गई है। अब 20 अगस्त को राज और उनके आईटी सहयोग रायन थॉर्प की जमानत याचिका पर मुंबई को सेंशन कोर्ट में सुनवाई होगी। तब तक राज और रायन थॉर्प को जेल की सलाखों के पीछे ही रहना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार को क्राइम ब्रांच पुलिस ने अदालत में राज कुंद्रा की जमानत याचिका का विरोध किया। जांच अधिकारियों ने आशंका जताई कि चूंकि राज कुंद्रा ब्रिटिश नागरिक है, ऐसे में वह जमानत मिलने के बाद देश छोड़कर भाग सकते हैं। क्राइम ब्रांच अधिकारियों ने अदालत में यह भी कहा कि राज कुंद्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। राज कुंद्रा की जमानत का विरोध करते हुए जांच अधिकारियों ने यह भी दलील दी है कि कुंद्रा एक प्रभावशाली व्यक्ति है, इसलिए वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। क्राइम ब्रांच अधिकारियों ने राज कुंद्रा की जमानत का विरोध करते हुए 19 कारण अदालत में पेश किए हैं। जांच अधिकारी किरण बिड़वे ने अपने जवाब में कहा कि राज कुंद्रा अपनी गिरफ्तारी से पहले ही बहुत सारे सबूत नष्ट कर चुके हैं और वह जमानत मिलने पर और सबूत मिटा सकते हैं। पुलिस का कहना है कि इस केस में अभी काफी सारे सबूतों को इकट्ठा किया जाना बाकी है। कई गवाह भी अब इस केस में सामने आ रहे हैं। यही नहीं, क्राइम ब्रांच अधिकारियों ने सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा कुंद्रा की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने का भी हवाला दिया है। बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट 7 अगस्त को ही राज कुंद्रा की उस याचिका को खारिज कर चुका है जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। तब जस्टिस एएस गडकरी ने कहा था कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा हिरासत में रिमांड कानून के अनुरूप है और इसमें कई हस्तक्षेप भी आवश्यकता नहीं है। याद दिला दें कि राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद ही कहा जा रहा है कि उन्हें ब्रिटिश नागरिक होने की वजह से बेल मिलने में मुश्किलें आ सकती है। अश्लील फिल्मों का काला कारोबार कर रहे राज कुंद्रा ने अपने बचाव के लिए काफी इंतजाम किए हुए थे। मुंबई पुलिस फरवरी महीने से ही राज कुंद्रा के खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठे करने में जुटी हुई थी और आखिरकार 19 जुलाई को वह क्राइम ब्रांच के शिकंजे में फंस ही गए। गौरतलब है कि राज कुंद्रा गिरफ्तारी के बाद से ही कई बार जमानत हासिल करने की कोशिश कर चुके हैं लेकिन उन्हें राहत मिलती नहीं दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।